मोकामा में चलती ट्रेन में अपराधी कुणाल शर्मा पर हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने मोकामा रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। तो वहीं मोकामा पुलिस ने भी पहले मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले की जांच को लेकर पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा मोकामा पहुंची और रेलवे स्टेशन का जायजा लेकर मोकामा के डीएसपी को जल्द से जल्द जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। इस संबंध में रेल डीएसपी राजेश वर्णवाल ने कहा कि इस मामले में पुलिस मोकामा बाढ़ लखीसराय में सक्रिय सुपारी किलर पर कड़ी निगरानी रख रही है।